छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट कोटा विधानसभा को जीतने भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव पर दांव लगाया और उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। सुनते उनको उनकी क्या तैयारी। प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कोटा का इतिहास रहा है, इसे कांग्रेस का अवैध किला अवैध गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस चुनावी रण में अब जुदेव परिवार की एंट्री हो गई है। कोटा में प्रबल प्रताप सिंह जुदेव प्रत्याशी बनाए गए हैं। हमारे साथ यहां पर प्रबल प्रताप जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी जुदेव परिवार को, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को मिली है बिलासपुर जिले में फिर से कोटा विधानसभा। मुझे विश्वास है कि हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के इस अवैध गढ़ को हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। जुदेव जी, जिस तरह से कोटा को कांग्रेस का अवैधगढ़ माना जाता है, आपके लिए भी चुनौती है वहां पर, क्योंकि वहां पर जोगी परिवार भी है, रेणु जोगी पिछले बार चुनाव जीतकर आई है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति भाजपा की जुदेव परिवार की? देखिए, ये बहुत टफ सीट है और कभी भी कोई टफ सिचुएशन होता है तो भारतीय जनता पार्टी जुदेव परिवार पर अपना विश्वास जताती है और ऐसे ही कोटा में हुआ है। तो ये थे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जिन्हें कोटा से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है और कोटा वही सीट है जहां पर कांग्रेस लगातार जीतती आई है। लेकिन अब जिस तरह से यहां पर जुदेव परिवार की एंट्री हुई, उसके बाद अब चुनाव आने वाले दिनों में यहां पर दिलचस्प होने जा रहा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर।